हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुशरा खाना खजाने में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी आपके लिए पाव भाजी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। इसके लिए आपको चाहिए, ये मैंने 5 बॉयल आलू लिया है, एक प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, 3 टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली है, ये 1 कप मटर के दाने हैं, आधा शिमला मिर्च जिसको भी मैंने बारीक काट लिया है, ये अदरक लहसुन है जिसको मैंने घिस लिया है, ये 2 चम्मच है, और ये सूखे मसाले नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, जीरा आधा चम्मच, 2 चम्मच पाव भाजी मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1 चुटकी फूड कलर, 1 नींबू और ये बटर। सबसे पहले हम कढ़ाई में बटर डालेंगे, बटर के साथ हम जीरा डालेंगे, प्याज डालेंगे, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे, हल्का सा कच्चापन निकल जाएगा, टमाटर की प्यूरी डालेंगे, हरा मटर, शिमला मिर्च, और ये आलू, जीरा काली मिर्च, हल्दी, पाव भाजी मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये स्वाद अनुसार नमक, लास्ट में ये फूड कलर, ये कसूरी मेथी, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये हरे मिर्च, इसमें हम आधा कप पानी डालकर इसको 15 मिनट पकाएंगे ढककर।
10 मिनट हो गए, अब हम इसको खोल कर देखते हैं। ये अच्छे से पक गई है, अब हम इनको मैश कर लेंगे। सब्जी को हमने मैश कर लिया, इसमें लास्ट में नींबू डालेंगे। और ये धनिया पत्ती, भाजी हमारी रेडी है। अब हम पाव को सेकते हैं। ये हमने पैन रखा है, पैन में हम मक्खन डालेंगे। थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसमें हम पाव को फ्राई कर लेंगे। पाव हमारा सिक गया है, पाव भाजी रेडी है। गाइस, मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।